आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ही सस्ती मिठाई, जिसे आप त्यौहार में बना सकते हैं और ये मिठाई त्यौहार में चार चांद लगा देगी। जिसे भी खिलाएंगे आप, आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। और ये फ्रेंड्स बस घर के बस बची सामानों से ही हमने कुछ बनाया है। फ्रेंड्स ये 3-in-1 रेसिपी है, बिल्कुल इसमें तीन तरीके की टेस्ट आने वाली है। एक तो क्रीम रोल हो गया, ऊपर से आपको रसमलाई का भी टेस्ट आएगा और बासुंदी का भी। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा इस त्यौहार पर। तो चलिए फटाफट रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आपको ले लेना है एक पैन या फिर कढ़ाई, जो भी लें। और देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध 1.5 गिलास। अगर वजन से कहें तो यहाँ पर मैंने लिया है 350 ग्राम दूध। कोई भी दूध आप ले सकते हैं, यहाँ पर फुल फैट क्रीम हो तो और भी अच्छा है, या फिर कोई भी। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, तो इसका यूज हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले जो आपने दूध डाला है ना, बस उसको क्या करना है कि हल्का सा आपको गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पर पका लेना है दूध को, जिससे कि दूध जो है हल्की सी गाढ़ी हो जाए। और देखिए यहाँ पर 5 मिनट के बाद यहाँ पर डाल दे 3 से 4 चम्मच चीनी। यहाँ पर आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ाया है तो चीनी डाल दे, आराम से पिघल जाएगी। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, और जैसा कि मैंने बताया दूध को हल्का सा गाढ़ा कर देना है। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल मलाई वाला टेक्सचर आएगा। और ये देखो आप, एंड में आपको डाल देना है 1 कूटी हुई इलायची, जिसका मैंने बीज निकाल लिया है, और इलायची का छिलका जो है आपको हटा लेना है। और ये देखो आप, बस ऐसे करके देखिए दूध जो है आप देख ही सकते हैं क्वांटिटी में हाफ हो गई है। तो फ्रेंड्स ये इतनी सिंपल रेसिपी है, बिना कोई झंझट बिना मेहनत के आराम से आप इसको बना सकते हो। और ये देखिए आप, बिल्कुल इस तरीके से हो गई है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे हम। अब फटाफट हम नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिया है मलाई, जो दूध में जो ऊपर से छाली जम जाता है बस उसी को मैंने ले लिया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ताज़ा मलाई लेना है। और देखिए मैंने यहाँ पर बस 1 चम्मच ही मिल्क पाउडर लिया है, यहाँ पर आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। सिंपली जो आता है 5 रुपये का पैकेट 10 रुपये का पैकेट, वो भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए बस इसको क्या करना है कि हल्का सा आपको इसमें इस तरीके से फेंट लेना है, जिससे क्या होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट, और ये देखिए बिल्कुल ना इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल मलाई जैसी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रेश मलाई ही दूध का यूज करना है, ज़्यादा दिन वाला नहीं करना, नहीं तो उसका जो टेस्ट हो वो खट्टा आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए तो ये हमारा जो क्रीम है बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट देखिए ब्रेड ले लिया है मैंने, और साइड के एजेस को आपको कट कर देना है, क्योंकि साइड के जो एजेस हैं वो हार्ड होते हैं, इसके हम कट करके इसको हम निकाल देंगे। और ये जो साइड के जो एजेस हैं इसे कट करके निकाल देना है। और ये जो यूज में आ जाएगी फ्रेंड्स, जैसे ब्रेड रोल हम बनाते हैं तो हमें क्रम्प की ज़रूरत पड़ती है ना, बस इसी में काम आ जाएगी। मिक्सी ग्राइंडर जार में पीस कर बस ये इसका चूरा जो है बनकर तैयार हो जाएगा, आप इसका ब्रेड रोल बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हो। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ना आपको कर देना है चारों तरफ से, मतलब निकाल देना है आपको साइड के जिसको। और आपको क्या करना है कि जो हमने अभी क्रीम बनाई है ना, ये देखिए इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, क्रीम को बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए अब आपको क्या करना है कि बस 1-1 चम्मच ले लेना है और इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देना है आपको। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ, यकीन मानिए बहुत अच्छी बनती है, इसे खा कर कोई भी नहीं बता सकता है कि इसे आपने घर में बनाया है, और पता भी नहीं कर पाएंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। और अभी तो होली का त्यौहार भी आने वाला है फ्रेंड्स, तो इस होली में आप जरूर बनाइएगा इस डेजर्ट को, बहुत ही सस्ती मिठाई है, बहुत यूनिक रेसिपी है। और देखिए बस अच्छे से क्रीम स्प्रेड करके ना आपको ब्रेड, दूसरा ब्रेड लेना है और इस तरीके से रख देना है। अब आपको क्या करना है कि देखिए इस तरीके से आपको एक कट लगा देना है, बिल्कुल तिरछे आपको काट देना है इस तरीके से। ये देखिए आप, ये जो हमारा जो ब्रेड है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सारे को ना आपको बिल्कुल ऐसे ही करके रेडी कर लेना है एक एक करके। और फ्रेंड्स ये आप देख ही सकते हैं जो हमने क्रीम लगाया था, ये देखिए। अब आपको क्या करना है कि जो हमने दूध बचाया था ना, बस सिंपल आपको वही दूध लेना है, इसको गर्म वगैरह कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्मल जैसा दूध है रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस तरीके से हल्का सा डीप करके आपको देखिए इस तरीके से निकाल लेना है, जिस भी प्लेट में आप रखना चाहें, जिस प्लेट में सर्व करना चाहें उस प्लेट में आप इसको रख लें। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से बस इस तरीके से देखिए 1-2 बार से डीप कर लेना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड जो हमारी बिखर सकती है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ना हल्का हल्का डीप करके एक प्लेट में आपको इस तरीके से रख लेना है।
और अब देखो ये जो हमने बनाया था दूध का जो हमने गाढ़ा किया था, बिल्कुल मलाई वाला टेस्ट आने वाला है। तो देखिए इस पर आपको क्या कर देना है कि इस तरीके से ना आपको बस दूध जो है डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी है, बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर बना कर देखना। और बस ऐसे ही करके हमें क्या करना है कि सारे जो दूध को हमने गाढ़ा किया था बस इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ डाल देना है। तो अब आप कहोगे कि जब हमें इसमें दूध ही डालना था ऊपर से तो हमने इसे डिप क्यों किया पहले से दूध में? तो वो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि जब हम ऊपर से गाढ़ा वाला दूध डालते तो वो पूरा ऑब्जर्व कर जाती, इसमें ज़्यादा लगता, इसलिए मैंने क्या किया कि पहले ही दूध में थोड़ा सा डिप कर लिया जिससे कि जो हमारी ब्रेड है बिल्कुल मुलायम हो जाए और ऊपर से जो क्रीम वाला टेक्स्चर है बिल्कुल अच्छे से आ जाए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए बस इसको गार्निश कर देना है अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से। तो मैंने यहाँ पर बस बादाम से इसे गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ना, बिल्कुल रसमलाई जैसी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाकर ट्राई करना। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए है ना बिल्कुल मस्त मिठाई, जिसे भी खिलाएंगे बस आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। ये देखो आप एकदम सॉफ्ट सुपर स्पॉन्जी और बिल्कुल ही टेस्टी मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।